Hey guys, welcome back to my channel, Mommy's Life My Way. कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are doing fine guys. कैसी रही आप लोगों की दिवाली? First of all ये बताइए, दिवाली होके I guess एक हफ्ते से भी ऊपर हो चुका है, but मेरी दिवाली फील्स जो है इस बार जा ही नहीं रही है, because the whole वी वर एट होम और मुझे फिर से ट्रैक पे आने में थोड़ा सा टाइम लगा. यू नो लाइक दिस वाज हेक्टिक. जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई थी तब से मेरे चैनल पे डेली वीडियोस जा रहे थे. दिवाली तक के पूरे वीडियोस मैंने डेली डाले हैं जब से नवरात्रि स्टार्ट हुई है. सो इट वाज अ बिग हेक्टिक मंथ आई वुड से. लेकिन उसके बाद दैट्स रिया. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अब थोड़ा सा यू नो रूटीन पे आने के लिए टाइम लगा, बिकॉज दिवाली के टाइम में मैंने ब्रेक ले लिया था. पूरा एक हफ्ता मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, नॉट इवन माई दिवाली व्लॉग, नॉट इवन माई भाई दूज व्लॉग, कुछ भी व्लॉग नहीं किया. एंड हियर आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट इंस्टाग्राम हॉल. मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है इंस्टाग्राम से, विच आई थॉट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. तो आपको जानना है कि मैंने क्या क्या लिया है इंस्टाग्राम से, तो कीप ऑन वॉचिंग. तो जो सबसे पहली चीज़ मैं कपड़ों से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैंने कपड़े और ज्वेलरी दोनों मंगाए हैं इंस्टाग्राम के स्टोर से. डिफरेंट स्टोर्स हैं जिनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप लोगों को यू नो ईजी हो जाएगा उनको इंस्टाग्राम पे फाइंड करने के लिए. एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो सबसे पहला जो ड्रेस है वो है ये ब्लैक कलर का ड्रेस. लेट मी शो यू दिस. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ड्रेस. ये पूरी तरीके से इसी पैटर्न में पूरा प्रिंटेड है. यहाँ पे एक वेस्ट पे सिंचिंग लाइन है इनका, एंड देन पूरे नीचे यू नो कुर्ती ड्रेस टाइप ऑफ इसे आप बोल सकते हो. तो वो एक ड्रेस है और इसकी स्लीव्स इस तरीके से है, यू नो यहाँ तक आती हैं, एंड देन दिस लिटिल डिटेलिंग ओवर हियर टू द स्लीव्स. बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद ये ड्रेस. सो आई रियली लाइक इट. आई गॉट इट फॉर ₹700 फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल fashionista.com समथिंग लाइक दैट. आई मेंशन द नेम इन द डिस्क्रिप्शन और ऑन द स्क्रीन, वट एवर इज ईजी फॉर मी. सो इस तरीके का ये ड्रेस है, बहुत ही अच्छा क्यूट ड्रेस है. ब्लैक ड्रेस इज ऑलवेज यू नो अ स्टेपल इन अ वार्डरोब. तो मेरे पास नहीं था ब्लैक ड्रेस, इसलिए मैंने ले लिया दिवाली पे. सो दिस वॉज द फर्स्ट कुर्ती ड्रेस. और वन पीस यू कैन वेयर इट लेगिंग्स पे भी पहन सकते हैं आप, जीन्स पे भी पहन सकते हैं आप, इसे कुर्ती ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं. इट्स ऑल ऑन यू हाउ यू वॉन्ट टू कैरी. तो उसके बाद जो है सेकेंड वाला ड्रेस है ये कुछ इस तरीके से ये वाले कलर में है. इसे हम शायद कलमकारी प्रिंट बोलेंगे, जो कि बीच में योक पार्ट पे सिर्फ बनाई हुई है कलमकारी प्रिंट, एंड देन पूरे ड्रेस पे जो है इस तरीके से प्रिंट है. सेम पैटर्न है इसका भी. यहाँ पे योक के नीचे एक सिंचिंग यू नो थोड़ा सा दिया हुआ है नियर द वेस्ट, और उसके नीचे अगेन पूरा ए लाइन हो जाता है ये ड्रेस. दिस इज़ द काइंड ऑफ योक इट हैज. इट इज़ ऑरेंजिश रेडिश ब्लूइश इन कलर. योक पार्ट में ब्लू कलर है, बाकी के पूरे नीचे वाले ड्रेस में आप अगर देखेंगे तो कोई ब्लू पार्ट नहीं है. इट्स ऑल लाइक दिस ओनली ऑरेंज कलर. इसके स्लीव्स थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से एल्बो तक आ जाते हैं मेरे ख्याल से. एंड इसके नीचे भी जो योक में कपड़ा दिया हुआ है उसी के इन्होंने जो है ये फ्रिल लगाई हुई है, विच लुक्स रियली रियली क्यूट. मुझे छोटी छोटी डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ड्रेसेस में, तो इसीलिए आई रियली गो फॉर आई हैव दैट काइंड ऑफ वाइब. तो इसीलिए मुझे ऐसे सारे ड्रेसेस जो है अच्छे लग जाते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड ड्रेस फ्रॉम द सेम इंस्टाग्राम स्टोर, सेम 700 पे मैंने लिया हुआ है. प्योर कॉटन है गाइज, इतना सॉफ्ट कॉटन है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है. मैंने इसे अभी आई गेस एक बार धोया है, और धोने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. ये आइनिंग नहीं की हुआ, इसे आइनिंग को देना है अब, तो इसलिए मैंने धो के आप लोगों को रिव्यू दिया है कि बहुत ज़्यादा अच्छे ये है इसके रिव्यू है. मुझे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन लगा इसका. आराम से आप इसको पूरे दिन भी पहन सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन टू ज्वेलरी. ज्वेलरी में मैंने कैंडीज कलेक्शन से कुछ यू नो चीज़ें मंगाई है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम कैंडीज कलेक्शन. लेट मी शो यू ऑल जस्ट अ सेकेंड. ये थोड़ा सा टैंगल हो गया. सो दिस इज़ द घुंगरू नेकलेस.
इस तरीके के घुंघरू लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये ब्लैक थ्रेड में इन्होंने हमें पिरो के दिया हुआ है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नेकलेस विच आई ऑर्डर. दे हैव मेनी मेनी फैंसी नेकलेसेस इन घुंघरू पैटर्न, लेकिन मुझे एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा चाहिए था, तो इसीलिए आई वेंट फॉर दिस. दिस इज़ प्लेन ब्लैक वाले थ्रेड में इन्होंने जो है घुंघरूज लगा के पिरो के इन्होंने मुझे दिया हुआ है. बट इट लुक्स सो नाइस एंड इट लुक्स सो अडोरेबल व्हेन यू फेयर इट विद एनी ड्रेस. मैंने इसे बेसिकली मंगलसूत्र के इसमें मंगाया है, ताकि यू नो ब्लैक थ्रेड है तो मंगलसूत्र भी हो जाता है लंबा वाला. एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट शॉर्ट, यू कैन ऑफकोर्स मेक इट शॉर्ट बाई यूजिंग दिस. यहाँ पर भी इन्होंने एक घुंघरू दिया हुआ है एंड यू कैन जस्ट सिंच इट हियर जहाँ तक आपको कम चाहिए, एंड देन वो नेकलेस जो है छोटा हो जाता है. इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इट हियर योर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आई वुड से. और इसके साथ जो है ये वाले इयर रिंग्स मैंने मंगाए हैं, लेट मी शो यू. सेम घुंघरू के हैं, सेम इयर रिंग्स, और इसमें आवाज़ भी आती है. कैन यू हियर दैट? दैट इज सो नाइस राइट. मुझे बहुत अच्छा लगा ये पेयर करने के बाद, इतना इतना अच्छा लगता है मुझे. मेरे दिल में घुंघरू के लिए एक अलग प्लेस है, तो दैट इज़ रियली फिल्ड विद दिस नाउ, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, हर जगह पहन के जा रही हूँ अभी फ़िलहाल, बिकॉज आई एम इन रियल लव घुंघरू के, इसीलिए. सो या दिस कॉस्टेड मी, दिस नेकलेस, ओनली नेकलेस कॉस्टेड मी ₹450. एंड इयरिंग्स आपको जो अगर लेनी है तो ले सकते हो, नहीं लेनी है नहीं ले सकते हो. इससे भी हैवी वाले इयरिंग्स हैं उनके पास, अगर आपको वो वाले चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो. आई ऑप्टेड फॉर दिस. दिस कॉस्टेड मी ₹80 एंड दिस फॉर ₹450. सेम इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने और एक चीज़ मंगाई है, विच इज़ दिस. Which is this earring? Yeah, this earring, which is so nice and so beautiful. अगर आप इसको पहनेंगे, I mean, मेरे पास नहीं थी सिल्वर और मोतियों के थोड़ी सी कॉम्बिनेशन में earrings. मोती तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा कि मोती इज़ लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट. सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मोतियों को ऑप्ट करती हूँ. और कुंदन का वर्क है इसके ऊपर ऑल ओवर, और बीच में भी एक झुमकी दी हुई है छोटी सी. सो इट रियली कैच्ड माई आई एंड आई जस्ट फॉल इन लव विद दैट. बहुत अच्छा लुक आता है, मैंने इसको अभी तक पहना नहीं है. सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू वेयर इट मे बी टुमारो और समथिंग. बट या इट रियली लुक्स नाइस व्हेन यू वेयर दिस इयररिंग. पहन के देखी है, लेकिन पहना मतलब किसी ओकेजन पे नहीं पहना है, लाइक दिवाली एंड ऑल अभी तक नहीं पहना है मैंने. सो आई एम गोइंग टू वेयर इट टुमारो, बिकॉज आई एम गोइंग आउट टुमारो. सो प्रॉबेबली कल मैं इसे पहनूंगी. सो या आई रियली लाइक इट. दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी ₹450 फ्रॉम द सेम इंस्टाग्राम स्टोर. इंस्टाग्राम स्टोर का नाम है लेबल कैंडीज बाय स्वाति क्षीरसागर. इन्होंने मुझे एक छोटा सा कार्ड भी भेजा था, जो कि ऑफकोर्स मुझसे मिसप्लेस हो गया है. इनका विजिटिंग कार्ड इन्होंने मुझे भेजा था इसके अंदर. सो या मेरी बेबी ने वो घुमा दिया कहीं पे. सो दिस आर द टू थिंग्स विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम देम, कैंडीज कलेक्शन. नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्टाग्राम स्टोर, जहाँ से मैंने ये व्हाट यू कॉल दिस, हैंडकफ ब्रेसलेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट रियली रिमेंबर. आई ऑर्डर्ड फोर ऑफ देम, हियर दे आर. टू ऑफ देम आर इन ब्रास एंड वन ऑफ देम इज़ इन कॉपर एंड वन इज़ इन सिल्वर कलर. नॉट मतलब प्रॉपर सिल्वर प्रॉपर कॉपर वैसे नहीं है, इट्स ओनली द कलर विच दे आर कोटेड इन. तो इस तरीके से ये चार ब्रेसलेट्स मैंने मंगाए थे. सो या हियर यू गो. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं व्हेन यू वेयर इट इन योर हैंड्स गाइस. मुझे तो बाबा इतने ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे ऐसे ब्रेसलेट्स, तो मैंने ले लिए. आई हैव, यू कैन वेयर ऑल ऑफ देम टुगेदर. यू कैन वेयर वन विथ योर वॉच और वन विथ योर ब्रेसलेट, अदर ब्रेसलेट्स अगर आपको पेयर करना है. अगर आपको इसकी ही स्टैकिंग करनी है तो यू कैन गो अहेड एंड स्टैक दीज ओनली विद द लाइक ऑल फोर ऑफ देम, यू कैन स्टैक देम टुगेदर. बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी कोटिंग्स इसके ऊपर लिखी हुई है. डोंट लुक बैक, ट्रस्ट योर गड्स, यू आर इनफ एंड प्रे मोर वरी लेस. इन ये सारी चार कोटिंग्स इसके ऊपर लिखी हुई है. दिस आई गॉट फॉर ₹80 ईच. ये मैंने लिया था, इंस्टाग्राम स्टोर का नाम है
those little blings जिसका मैं नाम नीचे लिख दूंगी, शायद बीच में कोई अंडरस्क्रोल या फिर डॉट है मुझे याद आ रहा है. सो बेटर आई मेंशन ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर यू चेक इट देयर. तो ये मुझे 80 rupees के एक पड़े, एक मतलब सिंगल ब्रेसलेट मुझे पड़ा एक 80 rupees का, तो मेरे हो गए 4. तो उनकी कोई ऑफर चल रही थी कि इफ़ यू बाय सम अमाउंट तो उनके पास से मुझे फ्री गिफ्ट आएगा. सो गिफ्ट में उन्होंने मुझे भेजे है ये वाले इयर रिंग्स विच आर सो प्रिटी गाइज. आई मीन लुक एट दिस, दिस आर सो प्रिटी, बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक ये इसके ऊपर भी जाते हैं अगर मैं पहनते, लेकिन मुझे दिखाना था आप लोगों को, इसके लिए मैंने ये वाले अटायर के ऊपर नहीं पहना. बट या आई रियली लाइक्ड इट एंड बहुत अच्छा जेनरस यू नो दिल है उनका कि उन्होंने मुझे इतने बड़े ओरिंग्स गिफ्ट कर लिए. एंड सेकेंड थिंग विच आई गॉट इन द गिफ्ट इज दिस रेवलॉन का कलर स्टे अल्टीमेट सूट. वाओ, दिस इज सो, मतलब इट इज़ न कलर एविटा रेड और इसका शेड बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है. लेट मी स्वाइप इट टू यू ऑल. सो या दिस इज़ द शेड, बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये मैंने लिप्स पे ट्राई नहीं किया है बट आई एम श्योर रेड कलर तो मेरा तो फेवरेट ही है. रेड का कोई भी शेड हो आई जस्ट गो मैड ओवर इट. सो दैट इज़ द रीज़न, बहुत अच्छा लगने वाला है. आई एम सो इम्प्रेस रेवलॉन की, मतलब इतनी अच्छी लिपस्टिक उन्होंने मुझे गिफ्ट पे भेज दी है. एंड दिस इयररिंग्स, दिस टू थिंग्स आई गॉट विद दिस, इनका कोई ऑफर चल रहा था दिवाली पे, इसीलिए मैंने, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं गिफ्ट के लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, बट उन्होंने सामने से मुझे भेज दी है. सो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. सो ये था मेरा इंस्टाग्राम हॉल वाला वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू गेट टू नो, यू गेट टू सी दोज अमेजिंग वीडियोज फॉर फ्री. सो प्लीज़ डू नॉट गो अवे विदाउट सब्सक्राइबिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.